सो ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू अर न्यू वीडियो। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेई मेन का रजिस्ट्रेशन अब कंप्लीट होने का है, एक दो दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो जिन लोगों ने भी मिस्टेक किए हैं, लाइक अपने फादर का नेम गलत भर दिए हैं, ठीक है, या उनका नेम खुद गलत हो गया है, या अगर उनका नेम जेई मेन के रजिस्ट्रेशन में सही है लेकिन जो उनका डॉक्यूमेंट लाइक 10th का अगर सर्टिफिकेट है और 12th का मार्कशीट है उसमें उनका नेम गलत है, लाइक सरनेम में कोई गलती है या कुछ भी थोड़ा बहुत भी डॉक्यूमेंट में गलत है, मतलब बेसिकली मैं नाम की ही बात करता हूँ, जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आती है तो बेसिकली जो भी वेरीफाइंग एजेंट होते हैं वो आपका नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, जो मदर्स नेम है, वही सारा कुछ चेक करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें में अगर आपका मिस्टेक है, लाइक अगर आप जेई मेन के फॉर्म में डेट ऑफ बर्थ गलत फिल कर दिए हो या अपना नाम गलत फिल कर दिए हो, अगर आपको एट द एंड ऑफ जेई मेन फाइनल रिजल्ट अगर आपका करेक्शन विंडो ओपन नहीं होता है तो नो डाउट आपका नेम एज इट इज तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, उसमें जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें भी आपका वो गलत वाला नाम ही आएगा। तो इससे दिक्कत क्या होगा, इससे दिक्कत ये होगा कि जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाओगे कॉलेज में या ऑनलाइन रिपोर्टिंग करोगे तो उस टाइम आप जो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करोगे वो मैच नहीं करेगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म से, मतलब आपका जो जेई मेन का रिजल्ट है उससे मैच नहीं करेगा, और आपका जो डॉक्यूमेंट आप प्रेजेंट करोगे 10th का सर्टिफिकेट और 12th का मार्कशीट उससे मैच नहीं करेगा। इस केस में आपका एडमिशन कैंसिल होने का पूरा पूरा चांस होता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, एफिडेविट बनवाते हैं। एफिडेविट क्यों बनवाते हैं वो मैंने बता दिया आपको कि ये जो नेम में गलती हो गया या किसी के फादर नेम का मिस्टेक हो गया या खुद का नेम में मिस्टेक है तो इसलिए हम लोग एफिडेविट बनवाते हैं, ठीक है। और एफिडेविट कैसे बनाते हैं और कहाँ से बनवाते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ओके। सो जैसा कि आपको पता है कि अगर आपका नाम गलत हो गया या आपके फादर का नाम गलत हो गया तो आपको क्या करना है कि आपको एक एफिडेविट बनवाना है। एफिडेविट 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बनता है, ठीक है, और वो किस तरीके का फॉर्मेट होता है वो सारा आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में फाइल सेक्शन में मिल जाएगा एफिडेविट वाला करके, ठीक है। मैंने खुद बनवाया था, मेरे फादर का नाम गलत था ओरिजिनल सर्टिफिकेट में, बट मैंने जो ओरिजिनल नेम था वो अपने जेई मेन के एप्लीकेशन नंबर में, मतलब जब रजिस्ट्रेशन किया था तो उस टाइम ओरिजिनल जो सही उनका नाम था वो सबमिट किया था, तो मेरे डॉक्यूमेंट में उनका फादर का नाम गलत था तो इसलिए मैंने एफिडेविट बनवाया था, ठीक है। और जब भी आप एडमिशन के लिए जाओगे जोसा में आप जब वेरिफिकेशन कराओगे तो अगर आपको क्वेरी रेज होता है कि आपका तो कोई और नाम है और आप जो सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हो उस पर कोई और नाम है तो आप उसके क्वेरी में एफिडेविट सबमिट कर सकते हो कि ये जो नाम है बाय मिस्टेक आपने लिख दिया है या आपके सर्टिफिकेट पे ही वो नाम गलत है, ठीक है। तो इस तरीके का एफिडेविट बनवाया जाता है 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे, नोटरी से बनता है, एडवोकेट बनाते हैं 200-300 रुपये में बन जाता है, 1 से 2 दिन में बन जाता है, ठीक है। तो ये कोई लोग भी बनवा सकता है, या तो अगर उन्होंने जेई मेन के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में गलती कर दिया है या उनके जो सर्टिफिकेट हैं, मतलब कि जो 10th और 12th के मार्कशीट हैं उनमें ही ऑलरेडी डाटा गलत है और वो सही डाटा ऑलरेडी जेई मेन के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिल कर दिए हैं तो वो लोग भी एफिडेविट बनवा सकते हैं, ठीक है। और एफिडेविट कैसा दिखता है, क्या फॉर्मेट होता है, आप उसी फॉर्मेट में आप बनवा सकते हो। मैंने खुद एफिडेविट बनवाया था, उसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहां से आप उसको देख सकते हो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मेरे को आप टेलीग्राम पूछ सकते हो, कॉमेंट कर सकते हो और वीडियो को लाइक करना जरूर, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।